आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट सर्वर पे किस तरह से काम करती है। हमने क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के बारे में देखा, हमने ये देखा कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड पर इस्तेमाल करना है। अब हमारा फोकस रहेगा बैक एंड पे किस तरह से जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना है और कैसे जावास्क्रिप्ट को सीख के आप लोग एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों भी जावास्क्रिप्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अब टाइम आ चुका है जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर समझने के लिए। अभी हमने जो भी जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, हमने इतनी सारी अपनी रैपल्स बनाई, हमने इतनी सारी रैपल्स से प्रैक्टिस किया। एक बार रैपल हमने बनाई तो हम उसको रैपलेट के विदिन चला पा रहे थे। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि हम जो रैपल बनाते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे कैसे चलती है। तो कुल मिला के बात ये होती है कि जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो सर्वर आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट सर्व करती है। अगर मैं इस रैपल की बात करूं, जैसे मान लो ये हमारी 94th रैपल है, ठीक है। अब अगर मैं इस रैपल को रन करूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका एक वेब व्यू मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जो भी कोड मैं लिखता हूं, तो मेरी कन्वीनियंस के लिए रैपलेट क्या करता है कि मुझे एक तो ये चीज़ देता है जहां पर मैं कोड लिख सकता हूं, और यहां पर इसका जो आउटपुट है वो देता है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है चीज़, ठीक है। अब यहां पर मैं आप लोग को मेन बात बताता हूं, आप लोग जावास्क्रिप्ट को जब इस प्रकार से चलाते हो तो ये क्लाइंट पर रन करती है। यानी कि अगर आप चला रहे हो इसको तो आपके कंप्यूटर पे, मैं चला रहा हूँ तो मेरे कंप्यूटर पे, ठीक है। तो इस तरह से ही रन करती है। देखो ये वाली फाइल साउंड लेकर आ रही थी, अभी बजेगी साउंड, शायद 12 सेकंड के बाद बजेगी। हाँ, तो कुल मिला के बात यही है। अब अगर मान लो आप कहते हो कि क्या जावास्क्रिप्ट सर्वर पर रन कर सकती है, ये साउंड बाय द वे ये इस कोड की वजह से चली, तो मैं कहूँगा हाँ यार बिल्कुल कर सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर Node.js लिखूँ तो Node.js एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। अब देखो क्या होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो वो आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट देती है। जावास्क्रिप्ट जो आपकी एग्जीक्यूट होती है वो ब्राउज़र एग्जीक्यूट करता है, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई ऐसा कोड भेज दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट कर दो तो वो कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राउज़र आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलता है और जो जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउज़र के अंदर चलती है। तो जब जावास्क्रिप्ट चलती है तो ब्राउज़र का एक पूरा कंट्रोल होता है कि क्या चीज़ वो ब्लॉक करेगा, क्या चीज़ वो अलाउ करेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात मेरी कहने की है कि अभी जब भी हम लोग google.com, replit.com, codewithari.com वेबसाइट्स पर जाते हैं तब हमको जो जावास्क्रिप्ट मिलती है वो हमारे ही कंप्यूटर में रन होती है, मेरे ब्राउज़र में रन हो रही है, ठीक है, मेरे इस कंप्यूटर में, मेरे इस CPU को खाते हुए, जो मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, इस CPU को यूटिलाइज़ करते हुए, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो एक सर्वर पर चला सकते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जब हम सर्वर पे चलाएंगे तो मैं एक $5 का DigitalOcean, Linode या फिर मान लो Volter का एक सर्वर ले लूँगा, ठीक है, या AWS का सर्वर ले लूँगा, AWS काफ़ी कॉमन है। तो AWS वाले अपने डेटा सेंटर पे मेरा कोड चलाएंगे और कोई भी इंसान अगर कोड रिक्वेस्ट करेगा तो वहाँ से कर पाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं बैकएंड। ये जो जावास्क्रिप्ट चल रही है वो फ्रंट एंड पे चल रही है, ठीक है। तो हम बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए डाउनलोड कर रहे हैं Node.js, और यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। 30 MB का मात्र सॉफ्टवेयर है ये, और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ओपन हो जाएगा। तो ये Node.js को आपको नेक्स्ट करके लाइसेंस एग्रीमेंट, जैसे मैं अभी रीड कर रहा हूँ और मैंने रीड कर लिया, और अब आप नेक्स्ट करके इसको जो है इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैंने पूरा पढ़ा, याद कर लिया मैंने लाइसेंस एग्रीमेंट, अब आप इसको चेक मत करना, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा मेरा Node.js इस कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं रैपलेट क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो रैपलेट भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं करूँगा रैपलेट यूज़, लेकिन मैं जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए Node.js इंस्टॉल करवा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर पर चले कोड, मतलब सर्वर साइड चले कोड, अब आप कन्फ्यूज़ मत होना इस बात को लेकर कि कोड तो कंप्यूटर पर पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। देखो ये हमारा डेव एनवायरनमेंट है, जो हमारी विंडोज़ है वो हमारा डेव एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर हम कोड रन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि मैं इसको बाद में किसी सर्वर पर डिप्लॉय करना चाहूँ तो मैं एज इट इज़ जो कोड मैंने अपने कंप्यूटर पर लिखा है वो मैं उस सर्वर पर डाल दूंगा, फिर उस सर्वर के थ्रू सर्व किया जाएगा, ठीक है। बैकएंड का कोड विजिबल नहीं होता है, फ्रंट एंड का कोड विजिबल होता है। कैसे विजिबल होता है फ्रंट एंड का कोड, जैसे कि इस वेबसाइट ने क्या कोड भेजा है वो मैं व्यू पेज सोर्स में जाकर देख सकता हूँ, इवन जावास्क्रिप्ट भी देख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट, ध्यान से सुनना इस बात को, ये वेबसाइट इस पेज को जनरेट करने के लिए किस कोड का इस्तेमाल कर रही है वो मैं नहीं देख सकता, वो इनके सर्वर में Node.js.org का जो सर्वर होगा उस पे है। तो उस सर्वर पे इन्होंने क्या कोड लिखा है वो मैं नहीं देख सकता, ठीक है। मैं बस उस सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सर्वर एक ब्लैक बॉक्स है मेरे लिए, उस सर्वर से मैं कहूँगा कि भाई मुझे Node.js.org दे दो, वो मुझे Node.js.org दे देगा, मैं उसके अंदर का कोड नहीं देख सकता, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया आपको। इसका मैं JS भी देख सकता हूँ, देखो मैंने इसका JS भी निकाल लिया, यहाँ पर पूरी जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है देखो, सब इन्होंने लिखा है, मैं ये देख सकता हूँ।
और मैं इसको डिकोड भी कर सकता हूँ क्या लिखा है इन्होंने, देखो सेट थीम और ये सारे मेथड्स वगैरह इनके देख सकता हूँ, फ्रंट एंड के, बैक एंड के नहीं देख सकता। जो नोट जे एस से हम लिखेंगे वो बैक एंड होता है। अब क्या नोट जे एस सक्सेसफुली चल गया आपका, यहाँ पर अगर आप विंडोज 11 में हो तो टर्मिनल खोलो, टर्मिनल खोल के लिख दो नोड, ठीक है, और जैसे आप नोड लिखोगे तो आपका ये जो है इस तरह से चल जाएगा। अब यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग करके आप लिख दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये आपने लिखा अगर तो यहाँ पर आप जो है जावास्क्रिप्ट चला सकते हो, ठीक है। अब ये नोड की रैपल है, ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। अब मैं आपको रैपल भी बताता हूँ क्या होता है, आर ई पी एल रैपल। अब रैपलेट से कन्फ्यूज मत होना अभी, ठीक है। अगर मैं रैपल नोड लिखूँ यहाँ पर तो इसको नोड का रैपल कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, यानी कि क्या होगा जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू 5 और मैंने लिख दिया लेट बी इज इक्वल टू 7, अगर मैं ए प्लस बी लिखूंगा तो वो इवैल्यूएट करके मुझे दे देगा, तो इसे रैपल कहते हैं नोड जेएस की। तो जो रैपल शब्द है इसका लिटरल मतलब ये होता है, ठीक है। अब हाँ, हम रैपलेट पे रैपल्स बनाते हैं तो इसलिए काफ़ी फेमस है रैपलेट, तो हम लोग रैपल्स बनाते हैं तो इसको रैपल कहते हैं हम लोग, लेकिन असलियत में रैपल क्या होती है, असलियत में रैपल ये होती है, ठीक है, रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। तो अगर आपसे कोई ये पूछे रैपल क्या होती है, तो हाँ दो चीज़ें होती हैं रैपल मेन चीज़, अगर आपसे कोई कोर पूछे कि जावास्क्रिप्ट में रैपल क्या होता है ये बताओ, तब तो आप ये बताओगे रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। जनरली कोई पूछे रैपल क्या होता है तो आप बताओगे भाई जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, और वैसे अगर आप रैपलेट की बात करो तो रैपलेट पे जो भी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वो एक रैपल होता है। तो इस तरह से आप लोग जो है कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर पे क्योंकि चल रही है तो यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट मेरे फाइल सिस्टम को रीड कर सकती है, मैं इसे स्क्रिप्टिंग कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस कंप्यूटर के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं वो सब में जहाँ जहाँ हैरी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ जॉन डो हो जाए, ठीक है, तो मैं रीनेम कर सकता हूँ अपने फोल्डर्स को। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के बाहर की फाइल्स मेरी तब तक नहीं देख सकती जब तक मैं अलाउ ना करूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको जावा नोट जेएस वालों ने जावास्क्रिप्ट भेजी और वो मेरे कंप्यूटर का डेटा ले गए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते वो, क्योंकि ब्राउज़र एक रन टाइम है वो इस बात का ध्यान रखता है कि डेटा चोरी ना हो मेरे कंप्यूटर का, ठीक है। लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके नोट जेएस चला रहे हैं तो ये एक रन टाइम है, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की थोड़ी बहुत बात करूं तो रैंडल नाम के एक बंदे ने क्या किया था कि नोड जे एस एक प्रोग्राम बनाया था जो कि सिंपली क्या था, जावास्क्रिप्ट जो क्रोम का V8 इंजन था उसको उन्होंने एक C++ प्रोग्राम में डाल दिया था। उन्होंने कहा था कि यार जावास्क्रिप्ट की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत नहीं अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट की जो शक्तियाँ हैं उनको ब्राउज़र से बाहर निकालते हैं। उन्होंने जावास्क्रिप्ट की शक्तियों से कहा, ये जावास्क्रिप्ट की शक्ति तू इस ब्राउज़र में क्या कर रही है, तू यहाँ से बाहर निकल, तू यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया देख, तू ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्ट रन हो। और ये आइडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि लोग जावास्क्रिप्ट को अब इस तरह से भी यूज़ कर पा रहे हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी बढ़िया है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो नोड जेएस का जन्म इस तरह से हुआ। अब नोड जेएस में हम लोग जो प्रोग्राम्स बनाएंगे वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को भी रीड कर पाएगा, कई चीज़ें कर पाएगा, हम पूरा बैकएंड लिख सकते हैं यार, हम अपने डेटाबेस को रीड राइट कर सकते हैं, यहाँ पर डेटाबेस का पासवर्ड भी डाल सकते हैं क्योंकि सर्वर का कोड तो दिखने वाला नहीं है किसी को, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजिंग लग रही हैं तो टेंशन आप मत लो, फॉलो करते रहो आने वाले कुछ वीडियोज़ और काफ़ी बढ़िया चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस वीडियो में और इस कोर्स में। अब जावास्क्रिप्ट का जो ये नोड जेएस में हमने जो कोड लिखा है, क्या हम यार रैपलेट में नहीं लिख सकते? एब्सोल्युटली लिख सकते हैं यार, मैं नोड जेएस की रैपल बना सकता हूँ या क्रिएट पर क्लिक करके, या मैं नोड जेएस यूज़ करूँगा टेम्पलेट, तो बिल्कुल वही बात पड़ेगी कि मैं यहाँ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या यहाँ बना रहा हूँ। लेकिन हम लोग समझना चाहते थे कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो अगर मैं अभी आप लोग को अपनी प्रोफाइल में लेकर चलूँ और मैं आप लोगों को अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स के 95th वीडियो में एक रैपल बनवाऊँ तो मैं उसे कहूँगा इंट्रो, या फिर मैं लिखता हूँ इसको जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो है डॉट जेएस फाइल्स के अंदर अपने लॉजिक को लिख सकता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सीधे कंसोल डॉट लॉग, और ये पहली बार मैं नहीं बना रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग के इस कोर्स में भी बनाई थी ये चीज़। तो नोट जेएस और एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट में ये फ़र्क है, ठीक है। मैं लिखूँगा हे आई एम यूजिंग नोट जेएस, ठीक है। अगर मैं ये करूँ और इसको रन करूँ तो डायरेक्टली मुझे आउटपुट यहाँ कंसोल में मिलेगा, मुझे कोई ब्राउज़र में नहीं मिलेगा क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पर सर्वर पे रन हो रहा है। तो देखो हे आई एम यूजिंग नोड जेएस, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग जावास्क्रिप्ट को ऑन द सर्वर जो है वो रन कर सकते हो। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे npm क्या होता है, पैकेजेस क्या होते हैं नोड जेएस के अंदर, और किस तरह से नोड जेएस की शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसे ज़रूर एक्सेस कर लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू next time.